काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है और एक काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा एक फॉर्मेट जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, हमारा पूरा क्लासरूम भी ऐसा ही होता है, सब लोग बहुत सीरियस, और मुझे लगता है कि जब तक हैप्पीनेस नहीं है तब तक फिर पढ़ाई होती भी नहीं है। जब तक सहजता नहीं है, खुशी नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर वहाँ एजुकेशन कैसे होगी? आइए हम एक बार ताली बजाएं और एक बार थोड़ा अपने आप को हैप्पी बनाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग यहाँ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ लाइफ की बात कर रहे हैं, और अभी देख रहा हूँ कोरोना के बाद में जो बच्चे यहाँ पर आए हैं कॉलेजेस में मेरे पास आते हैं, तो बड़ा डिप्रेशन है, बड़ी नेगेटिविटी है, और मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते हमारा सबसे पहली ड्यूटी तो यही है कि बच्चों को हम प्रेम सिखाएं। मुझे नहीं लगता मैं माइक किसी को दूं और वो प्रेम की व्याख्या भी कर सके, और मुझे नहीं लगता जिस सोसाइटी में प्रेम नहीं है और कृतज्ञता नहीं है वो सोसाइटी कोई बहुत बड़ा काम करेगी। हो सकता है हम यूक्रेन जैसी व्यवस्थाएं बना दें लोगों को बुद्धिमान बना के और बहुत ज्यादा लॉजिक्स के वे बात करके, पर मुझे लगता है कि हमें अच्छा इंसान बनाने की बेहद जरूरत है। हमें लगता है कि बच्चों को जो है, मैं अभी कुछ समय पहले मैं जापान गया, मैंने देखा यहाँ और हमारे में और उस मुल्क ने जो तरक्की की उसमें क्या फर्क है, तो मैंने देखा वहां पे लोग बड़े कृतज्ञ है, वो अपने देश के प्रति कृतज्ञ है, एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति बहुत कृतज्ञ है। और मुझे लगता है कि ये हमारे एजुकेशन में जो बुनियादी चीज जो गुरुकुल शिक्षा की जो हम बात करते थे वो मिसिंग है। अभी अगर हम राजस्थान में बात करें तो हमारे को सबसे ज्यादा जाना जाता है हमारे बिजनेस कम्युनिटी को मारवाड़ी कम्युनिटी के रूप में, लेकिन हम यहाँ पे स्टार्टअप नहीं सिखाते बच्चों को, हम नहीं सिखाते यहाँ पे बिजनेस कैसे करें। हम सब लोग यहाँ बोलते हैं कि उनको नौकरी कैसे बनाए, एम्प्लॉयबल कैसे बनाए, ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा जब हर आदमी गवर्नमेंट नौकरी करना चाहेगा, हर आदमी दूसरे आदमी से नौकरी लेना चाहेगा, तो ये नौकरी देने वाले लोग कहाँ ऐसे हम पैदा करेंगे? मुझे लगता है राजस्थान एक जुझारू प्रदेश है, यहाँ पे अकाल भी पड़ता है, यहाँ पे मिट्टी सूखी भी होती है, यहाँ पे लोग पैदल भी चलते हैं, और ये जुझारूपन उन्हें एक स्टार्टअप के लिए तैयार करता है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है उनको एम्प्लॉयबल बनाने की तरफ लगा है। एज ए काउंसलर मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इस बात पे पुनर्विचार करें, यहाँ पे जितने भी एजुकेशनिस्ट यहाँ बैठे हैं, कि हम बच्चों को वास्तव में एम्प्लॉयबल बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। जैसे अभी मैम ने बहुत ईमानदारी से बोला कि मैं नहीं कहती कि हम इनको एम्प्लॉयबल बनाएंगे या हम इनको जॉब देने की गारंटी देते, मुझे लगता है ऐसे ट्रूथफुल होने की बहुत ही जरूरत है, और हमें इस बात पे विचार करना चाहिए कि हम लोग स्टार्टअप के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, मैं आज कल्ला साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो सहयोग होना चाहिए, जो सरकार की तरफ से जो इंस्टीट्यूशन के लिए मोटिवेशन होना चाहिए, मुझे लगता है उसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हम जब बात करते हैं, जैसे अभी इन दिनों मैंने देखा बिहार से बच्चे पढ़ना चाहते हैं राजस्थान में आके, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बार कल्ला साहब से भी बात करना चाहूंगा, कल भी हम सर आपसे मिले थे महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में, लेकिन एक जो संवेदनशीलता सरकार की तरफ से होनी चाहिए, जैसे बिहार से मैंने कहा बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, तो देखिए कितनी बड़ी दुविधा है कि हमारे देश के दो स्टेट है और वो वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, पर वो एक दूसरे को अप्रूव नहीं करते, इस वजह से बच्चे भटकते रहते हैं। अगर बिहार बोर्ड है तो वो भी हिंदुस्तान का एक पार्ट है, और राजस्थान बोर्ड है तो वो दोनों में आपस में तकरार, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो प्रयास है उसमें सालों लग जाते हैं, 12 महीने 2 साल तक लग जाते हैं। मुझे लगता है बहुत ही संवेदनशीलता की जरूरत है, और अगर हम वास्तव में इस देश को महान बनाना चाहते हैं तो मुझे दो चीजें लगती है, एक तो हम सकारात्मक एनवायरनमेंट बनाए यहाँ पे, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है वो ये कि हम जो है बच्चों में जो है मानवता को बढ़ाने पे भी काम करें, और बच्चों को नौकरी देने लेने की जगह हम नौकरी देने के बारे में सोचें, क्योंकि एक बच्चा अगर एम्प्लॉयबल होता है तो फिर मुझे लगता है कि वो सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयबल भी बनाता है। सो मुझे लगता है कि हमारे को मुट्ठी भर 10% लोग एंटरप्रेन्योर चाहिए तो फिर 100% लोगों को हम एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, और ऐसे राजस्थानी हम लोग को ये मानना चाहिए कि हम लोग मारवाड़ी हैं और हम लोग जो कलकत्ता आसाम और विदेशों में भी जाके अच्छा काम करते हैं, पर हमारे प्रदेश में हम अच्छा काम नहीं कर पाते, हमारे प्रदेश में जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है उसको हम नहीं बढ़ा पाते।
सो मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ मैम, आपको देना चाहता हूँ, मंत्री जी को देना चाहता हूँ कि और इतना शानदार आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जैसे भी लोग अपनी अपनी बातें रख सके और जितने भी प्रबुद्ध वर्ग है, एजुकेशनिस्ट है, स्टूडेंट्स हैं, वो सब यहाँ आए, इन्होंने बात की। एक काउंसलर होने के नाते में एक आपसे फाइनल ये बात कहना चाहूँगा कि हम शिक्षक होने के साथ साथ जरा प्रेम का अनुसंधान करें कि देना में क्या मजा आता है। एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों में कृतज्ञता डेवलप करें, फिर अपने आप ही एम्प्लॉयबल बनते हैं। हमारी क्या हैसियत है हम इनको पढ़ा दें, इनके पास हमारे से बराबर का ब्रेन है, हम सब लोग एक लेवल पर सब समान ही है, हमें इन्हें एक अच्छा वातावरण दे, एक बराबरी का दर्जा दे और इन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए अपने अनुभव इनके साथ साझा करें, तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ेंगे। एक गर्ल्स इंस्टीट्यूशन के होने के नाते यहाँ पे सर भी बैठे हुए, और मुझे लगता है कि ये महिलाओं की पहली पीढ़ी है जो पुरुषों के बराबर काम करने के लिए आई है, और इनमें बहुत जबरदस्त संभावना है, और इन्हें अगर ठीक से एजुकेट किया जाए, और मैं तो ऐसा देखना चाहूंगा आज यहाँ पे भी बैठे हैं, ये हमारे समाज का आईना है, सिर्फ एक लेडीज है जो इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कितना बढ़िया हो कि हमारे मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा महिलाएं हों, क्यों महिलाओं के पास भावनाएं हुआ करती है, पुरुष बुद्धिमान है और वो चाकू के समान है जो काटता है, कई बार लॉजिक से काटते हैं, समाज को जोड़ते नहीं है, इसलिए अगर महिलाओं को हम वास्तव में आगे बढ़ाएंगे और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देंगे तो मुझे लगता है ये मुल्क और जबरदस्त तरक्की करेगा। शुक्रिया मैम, थैंक यू आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू आपने मुझे सुना, बहुत शुक्रिया संजय बियानी जी। बहुत अहम बात आपने की कि 50% के हम बातें ही ना करें, वो नजर भी आए कि हमें बताने की जरूरत ना पड़े कि हम बराबरी का हक यहाँ पर दे रहे हैं, वो फिर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्यों ना हो। शैक्षिक नवाचारों का प्रयोग राजस्थान में काफी अच्छी मात्रा में हो रहा है। अभी हमारे डिस्कशन में एक तो बियानी जी ने ये उठाया कि बिहार और राजस्थान के बोर्ड में पैरिटी में समय लगता है, तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ हम कोई कमी नहीं रखेंगे, बिहार से भी बात करेंगे और मैं अपने अधिकारियों को कहूँगा कि पैरिटी का जहाँ भी प्रश्न आए उसको तत्काल हल करके और उसको सुनिश्चित किया जाए। कई बार क्या होता है कि कोर्सेज जो हैं एक एक, जैसे मान लो बिहार का कोर्स कमज़ोर होता है, हमारा कोर्स साउंड होता है, तो उसमें पैरिटी के मामले में कई बार दिक्कत आ जाती है। तो इन सब समस्याओं को हल करने के लिए मतलब त्वरित गति से काम हो, इस प्रोसेस को ठीक करने का मैं प्रयास करूंगा।